हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो जारी हो चुका है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम हमें कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इग्नू की वेबसाइट पे जाओगे और इग्नू की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म ODL स्टूडेंट ओनली। तो जैसे आप इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म पे आएंगे तो आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की वो 30 सितंबर रहेगी विदाउट लेट फीस, ठीक है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली एग्ज़ाम फॉर्म जो स्टूडेंट फिल कर रहे हैं उनको एक प्रॉब्लम सो हो रहा है, उनको एक पॉपअप सो हो रहा है। वो पॉपअप क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो और सबमिट करते हो तो आपको इस तरीके का एक पॉपअप सो होता होगा, नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड, यानी कि आपका जो कोर्स है वो वैलिड नहीं है या आपका जो रोल नंबर है वो नॉट फाउंड है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि इसके लिए वो ही स्टूडेंट एलिजिबल है जिसने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया इस साल और इससे पहले एडमिशन लिया, वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो अगर जिसको भी ये पॉपअप शो हो रहा है तो सिंपल सी ये कोई एक एरर आ गया है, आप कह सकते हो कोई एरर है, तो एक आपको मेल करना है। मेल क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, एक आपको मेल करना है। मेल आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करना है। मेल क्या करना है वो मैं आपको बताया था, मेल का जरा फॉर्मेट आपको दे देता हूँ, ठीक है। उस पर आप मेल डाल दीजिए, अगर आप जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है कि नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन या किसी को कोई सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, एक मेल आप डाल दीजिए, ये फॉर्म ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। वरना अगर आप मेल भी नहीं डालोगे ना तो भी एक हफ्ते के अंदर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो भी आप मेल डाल दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेल पहुँचे और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। जरा मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, इस तरीके का आपको एक मेल फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईमेल करना है आपको, किसको करना है, ये आईडी है, इस पर आपको मेल करना है। आपको ईमेल सब्जेक्ट में एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड प्रॉब्लम डालना है, या ये भी डाल सकते हो कि नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, तो रिस्पेक्टेड सर करके आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू माई, आपका एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। यहाँ पे आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो डालोगे, प्रोग्राम कोड डालोगे, आई एम एलिजिबल फॉर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन, मैं दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, बट शोइंग द रजिस्ट्रेशन डिटेल एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम नॉट फाउंड नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म काइंडली चेक दिस प्रॉब्लम सॉल्व दिस इशू सून एज पॉसिबल। ऐसे आपको मेल कर देना है। तो मेल का फॉर्मेट आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख के अभी कभी मेल डाल दीजिए, अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर है, प्लस आपका जो भी कोर्स प्रोग्राम कोड है उसके साथ मेल कर दीजिए अभी के अभी, और ये जो प्रॉब्लम है एक हफ्ते के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम आ रही है मोस्टली सारे स्टूडेंट को आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि पोर्टल में कुछ एरर है, पोर्टल में एरर है 100% एरर है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट से मैंने पूछा सबको ये एरर आ रहा है, ठीक है। मेल डाल दीजिए, बस सिंपल सी बात है, बाकी एक हफ्ते के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये थी वीडियो आज की दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए इग्नू के स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।